सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी के बारे में बात करेंगे। इसके Q1 के नतीजे आएंगे 2024-2025 के दोस्तों, फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा, इस अपडेट की बात करते हैं। और स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। IT सेक्टर की बड़ी कंपनी है और कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। स्टॉक प्राइस है 3900 के ऊपर कारोबार कर रहा है। TCS के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में, जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो पिछले एक साल का रिटर्न 21% का है। ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है और इसका जो लो था 3214 का बना था और स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ आ गया था। ये 4000 से गिरकर 3000 के आसपास आ गया था, अब बढ़कर 3977 तक पहुँचा है। तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। IT सेक्टर की बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और टाटा ग्रुप की ये प्रॉफिटेबल कंपनी है दोस्तों। TCS के बारे में बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल रिजल्ट जो आने वाला है, पहली तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं, Q1 का जो रिजल्ट आने वाला है वो है 11 जुलाई 2024 को। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, इस बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, कंसीडर हो सकता है दोस्तों। डिविडेंड से अलग कमाई होती है, लॉन्ग टर्म के जो निवेशक होते हैं उनको ज़्यादातर फायदा रहता है। और जैसे कि नतीजे आने वाले हैं तो शेयर में हलचल बढ़ जाती है। बहुत सारे निवेशक शॉर्ट टर्म के लिए या फिर कुछ दिन के लिए कारोबार करते हैं नतीजों तक, तो अभी पिछले एक महीने में स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है। 7-7.5% स्टॉक ऊपर की तरफ है। ये बड़ा शेयर प्राइस है और इसका जो 52-week हाई है 4254 का है, तो स्टॉक प्राइस 3979 में है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे ख़रीदारी की है तो डिविडेंड आने वाला है। पहली तिमाही के नतीजों के साथ जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा उसका जो रिकॉर्ड डेट का अपडेट पहले दे दिया है, 20 जुलाई 2024 है। पहली तिमाही के नतीजों के साथ जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा, 10 रुपया या 15 रुपया, 20 रुपया या उससे ज़्यादा जो भी डिविडेंड होगा दोस्तों, 11 जुलाई 2024 को डिसाइड होगा ये, उसका रिकॉर्ड डेट पहले दे दिया गया है। रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई 2024, तो ये अपडेट है दोस्तों। तो ये पहली तिमाही के जो नतीजे आने वाले, बात करते हैं बिजनेस की बात करते हैं तो 62,394 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू था और कंपनी का प्रॉफिट 12,502 करोड़ का था। एक प्रॉफिटेबल कंपनी है टाटा ग्रुप की ये और एक बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप 14,12,845 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर है 249 का और डिविडेंड यील्ड है 1.87% का। EPS है 126 का, ROE 50 का और PE रेशियो है 30 का दोस्तों। टाटा ग्रुप की एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब इसके पहली तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट जो रहेगा बढ़कर आता है तो तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, अपने हाई के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और स्टॉक नीचे की तरफ आएगा तो फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि कंपनी की तरफ से क्या बयान आते हैं आगे के ग्रोथ के बारे में, गाइडेंस कैसा रहेगा, तो वो भी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। तो जिनके पोर्टफोलियो में तो होल्ड करें और नतीजों का इंतज़ार करें। डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा, स्टॉक ऊपर की तरफ है दोस्तों। तो जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में TCS को रखा है तो गारंटी कमाई होने वाली है दोस्तों डिविडेंड के द्वारा।